दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल पर हमास ने यह भीषण हमला 2 साल पहले अलक्सा मस्जिद पर हुए हमले का बदला लेने के लिए किया। रॉयटर्स के मुताबिक हमास के कमांडर मोहम्मद दैफ ने 2021 से इस हमले की साजिश रचनी शुरू कर दी थी और करीब 2 साल बाद पूरी प्लानिंग के तहत एक साथ जमीन, आसमान और पानी के रास्ते इसराइल पर हमलों को अंजाम दिया गया, जिससे पूरा इसराइल दहल गया। रॉयटर्स के मुताबिक हमास के कमांडर मोहम्मद दैफ ने इन हमलों के दौरान एक ऑडियो टेप भी जारी किया था, जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया था कि इसराइल पर हमास का हमला मुसलमानों के पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद पर 2021 में हुए हमले का बदला है। वही न्यूज 18 इंडिया के ओपी तिवारी की खबर है कि इसराइल पर हुए हमलों के इस मास्टरमाइंड की तलाश इजरायली मिलिट्री को है और सूत्रों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में मोहम्मद दैफ के पैतृक घर पर भी हमला किया गया, जिसमें उसका भाई और दूसरे रिश्तेदार मारे गए। लेकिन इसराइल की खुफिया एजेंसी अभी भी मोहम्मद दैफ की तलाश कर रही है और दावा यह किया जा रहा है कि हमास का वही कमांडर है जिसे लंबे समय से इसराइल पकड़ नहीं पाया है।